नमस्कार, मैं रवीना मेनस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एक नजर आज की हेडलाइन पर। पिता गए थे बाहर, घर वाले थे व्यस्त, बीएससी की छात्रा ने फांसी लगा कर दे दी जान। प्रियंका गांधी का अपमान किए जाने पर कांग्रेसी खफा, मॉल के अंदर शॉपिंग करने गई युवती से की छेड़खानी। अब खबरें विस्तार से। पिता गए थे बाहर, घर वाले थे व्यस्त, बीएससी की छात्रा ने फांसी लगा कर दे दी जान। सोलापुर वाराणसी धरसोना भवानीपुर गांव की 20 वर्षीय छात्रा ने शुक्रवार की दोपहर पंखे में रस्सी से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। भवानीपुर गांव के निवासी कुंवर बहादुर सिंह और उनकी पत्नी इंदु देवी को एक पुत्री और एक पुत्र थे। कुंवर बहादुर संपन्न किसान परिवार में से हैं। शुक्रवार दोपहर को कुंवर बहादुर किसी काम से बाहर गए थे और घर की महिलाएं अपने अपने काम में व्यस्त थी। दोपहर के भोजन के बाद कुंवर बहादुर पुत्री रोमा सिंह ने अपना कमरा बंद कर छत के पंखे से रस्सी से लटक कर खुदकुशी कर ली। दोपहर 3 बजे जब घरवाले दरवाजा खुलवाने का प्रयास कर रहे थे तो अंदर से जवाब नहीं मिलने से घरवालों को घबराहट होने लगी थी। दरवाजा तोड़कर खोला गया तो फांसी पर लटकी रोमा को देखते ही कोहराम मच गया। 20 वर्षीय रोमा शहर के घनश्याम डिग्री कॉलेज में बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा थी। सूचना मिलने पर चोलापुर थाना अध्यक्ष हरिनारायण पटेल मौके पर पहुंचे। मामले की छानबीन कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। छात्रा के आत्महत्या करने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्व पंडित लाल बहादुर शास्त्री को माल्यार्पण करने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा उनके ऊपर यह इल्जाम लगाया था कि प्रियंका ने अपने गले की माला उतार कर शास्त्री जी की प्रतिमा पर पहनाया। कांग्रेसियों ने बीजेपी नेताओं के इस आरोप पर जमकर विरोध किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शास्त्री जी की प्रतिमा का शुद्धिकरण किए जाने से नाराज कांग्रेस शास्त्री चौक पर पहुंचकर भाजपा द्वारा महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका के राजनीति में आने से भाजपा घबरा कर अनाप शनाप काम कर रही है। वाराणसी सिगरा थाना क्षेत्र स्थित एक मॉल में खरीदारी करने गई युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की रात विश्व हिंदू परिषद ने लोगों से हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि मॉल में खरीदारी के वक्त मनबढ़ युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी की थी। युवती के भाई ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उनकी पिटाई ही कर डाली। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने मॉल में से बाहर जमकर हंगामा किया है। मामले की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आफताब नामक युवक को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य युवकों मौके पर से भाग निकले। औरंगाबाद निवासी ने युवती मॉल में खरीदारी करने गई थी। आरोप है कि इन दरमियान उसके साथ छेड़खानी की गई थी। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।